हाय फ्रेंड्स, कल नाइट में जल्दी सो गया, पता नहीं चला था। अभी मैं हूँ, एक्चुअली मैं एक स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम, उसके बाहर में हूँ। और अभी बज रहा है लगभग सुबह के 9:30 बज रहे हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, बड़ो प्रणाम, छोटो प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे फ्रेंड्स से नए व्लॉग में। आई थिंक सब बढ़िया हो गया, बढ़िया ही रहो। मैं आपको दिखाता हूँ मैं हूँ कहाँ पर। ये देखो, यहाँ पे अगर अपन वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है अंडर 19 कोच बिहार, जो BCCI की तरफ से कोच बिहार ट्रॉफी होती है, क्रिकेट ट्रॉफी, वो यहाँ अलॉट हो रही है और उसका यहाँ पे मैच चल रहा है अंडर 19। तो जस्ट मैं भी गुजर ही रहा था, ये रूट था, गुजर रहा था, तो मैंने सोचा रूट के 2 मिनट देख लिया जाए, तो बस रुका हुआ हूँ, उसके बाद फिर निकल चलेंगे। हमको भी क्रिकेट का बड़ा इंटरेस्ट था, वैसे भी ऐसा चलता है लाइव तो और देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़ा देख कर चलते हैं। पर तरीके से यहाँ पे पीच के लिए अगर बारिश हो जाती है उसके लिए रूफिंग की यहाँ पे अरेंजमेंट है, और ये एज लग के 4, ये सब चीज़ें बड़ी प्रॉपर तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है यार ये। अपन जो पीच देख रहे हैं यार, मैं एक्चुअली में कामाख्या में कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ, और यहाँ से अभी 17-18 मीटर दूर है पहाड़ों में, तो मैं दिख रहा होगा पीछे बैकग्राउंड भी पहाड़ से गुजर रहा हूँ, और बीच में काफ़ी ज़्यादा रश थे आज, पूरा गांव गांव से होते आए, इसमें ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया। मैं मैंने सोचा था कि जो हमारी पहुंची है ब्लॉग चालू होगा, तो यहाँ पहुँच गया देखते हैं पहाड़ वाले रास्ते से कामाख्या देवी दर्शन करने के लिए। यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, मैं पहले क्लिनिक लेके आपको पता चलेगा कि दर्शन करना है हमारी मम्मी का मंदिर वगैरह। भीड़ देख के अंदाज़ा तो लग गया होगा कि हमारी एंट्री हो चुकी है सिटी में, अब यहाँ से कामाख्या माता का दर्शन करने चल रहे हैं हम। यहाँ देखो स्टार्ट हो गया है, यहाँ ब्रिज, इतना बड़ा ब्रिज यार, क्या बेहतरीन दिख रहा व्यू देखने का, अल्टीमेट व्यू बहुत सुंदर है दोस्तों। ये चीज़ कैमरा जस्टिफाई कर पाए ना कर पाए, बट एक बार विजिट जरूर करो यार, घूमो, इतनी सुंदर लग रही ना ये, वाह यार सुंदर। एक्चुअली मेरी कोई प्लानिंग थी नहीं, बट कुछ लोगों ने मिले, फिर उन्होंने बोला, मेरी मम्मी का भी मन्नत था, तो हमने बोला वो मन्नत पूरा करने के लिए जाना ही है। मैं इसीलिए असम तरफ से मैं एंटर कर रहा हूँ दोस्तों मेघालय के लिए, अदरवाइज मैं डायरेक्टली मेघालय निकल जाता, सिंगचल हो के यहाँ से होके चलेंगे मेघालय, लेकिन हाँ रिटर्न में फिर से हम असम होकर ही रिटर्न होंगे। हाँ यार देखो ये ब्रिज तो देखते ही बनता है, जहाँ से शुरू हुआ इतनी लंबी ब्रिज है यार, बहुत बड़ी ब्रिज है यार। देखो पीछे भी देखो, मेरे कब से चल लेते आ रहा हूँ, बहुत बड़ी ब्रिज है, बहुत बड़ी ब्रिज है, बहुत सुंदर है ये ब्रिज, वाह। गंगा नदी पे बना है दोस्तों ये ब्रिज, अरे वाह यार, ढलान ही ढलान शुरू हो गए दोस्तों, यहाँ से अब ढाल होगा, चढ़ान होगा, ढाल होगा, चढ़ान होगा, ढाल होगा और चढ़ान होगा, बस यही चलेगा टोटल। पहाड़ों की अब ये क्या बोलना चाहिए, एक नगरी शुरू हो गई यहाँ से, कंटिन्यू बस वही मिलते जाएगा, बस पहाड़, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, बस सारी सिटी है। बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है सिटी यहाँ का, वो पहाड़ में चढ़ना लग रहा है हमें, जो भी है चलो। माँ कामाख्या मंदिर तक जाने का रास्ता है दोस्तों, ये देखिए नीचे से हम ऊपर से आ गए थे, अब नीचे से चलते हैं चलो। तो ये रहा दोस्तों कामाख्या मंदिर का मेन रूट, और पूरी गाड़ी जाएगी बोल रहे हैं, चलो देखते हैं ले जाकर अब गाड़ी को। ये देखो ऊपर में लिखा है यहाँ कामाख्या मंदिर, यहाँ सब बस, अच्छा वो बस वाले थे, ये मंदिर जाएगा, चलो बढ़िया लग रहा है रूट है, लग रहा है दोस्त तो पहाड़ में चढ़ जाएंगे हम। चलो आज एग्ज़ाम है हमारे डुगडुग का, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम है ना, मतलब इंटरनल कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली फाइनल, मस्त रोड है। वो रही अपनी डुगडुगिया तिरंगा लहराते हुए, और हमको चलना है कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए आगे, गाड़ी दूर में रखना पड़ा, बट कोई बात नहीं, जो है जैसा ऐसा ही है, जगह मिल गया पैदल चल के जाना। पुलिस वाले से रिक्वेस्ट किए तो बताया अंदर रखो यार, यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, भीड़ तो बड़ी बढ़िया तगड़ी है, लेकिन हाँ चढ़ान भी, अब जाने के टाइम तो पूरी गाड़ी ढुल ढुल होकर जाएगी, तब मज़ा आ जाएगा, सिर्फ ढुलते ढुलते हो गया यहाँ से भीड़। ये देखो
मस्त भीड़ है और सही टाइम में पहुंच गया। एक्चुअली मैं सोचा कल के डेट में कि मैं मॉर्निंग के टाइम में पहुंचूंगा, बट मॉर्निंग के टाइम में वैसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी बीच में बिगड़ गई थी और पूरा ऑयल सूख गया था। अगर थोड़ा देर भी अपन ऑयल फिलअप नहीं करवाए थे तो डेफिनेटली क्या होना था, फिर से रिंग पिस्टन का काम आ जाता। हमने सही टाइम पर आ गया, हाई सिक्योरिटी जगह है, देखो पुलिस वाले पूरा घूम रहे हैं हर तरफ, मिठाइयों का दुकान लगा है। हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो कुछ लेने वाली तो बात ही नहीं है, चलते जा रहे हैं बस। चलो चलते हैं मंदिर दर्शन करते हैं। ये चप्पल जूता रखने के लिए बोल रहे थे, आगे गवर्नमेंट का बना हुआ है तो हम बोले कि चलो वहाँ पे रखवा देते हैं। चलो जो है, वैसे भी खाली पर चढ़ नहीं पाता हूँ यार मैं, जानते हो। अब चल रहे हैं यहाँ से, कहाँ पे व्यवस्था है देखते हैं। ये सब चप्पल पहन के आ रहे हैं, हम चले अब। यहाँ पे श्रद्धा भक्ति हो रही है, पैदल चलो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, लेकिन खूब दूर चलना है भी बता रहे हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, अभी से हमारी हालत ख़राब हो गई है, क्या करें। पूरे आजू बाजू दुकान ही दुकान है, ये भी बड़ा फेमस है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी है। किसी से पूछेंगे क्या इसकी स्टोरी है, और मम्मी का हमारा जो मन्नत हो भी पूरा हो जाएगा। तो अब मैं इंटर आ गया हूँ। जो लोग नीचे में बोल रहे थे कि यहाँ उतारना है वहाँ उतारना, ऐसा कुछ नहीं, लास्ट तक आप आ सकते हो। उसके अभी चप्पल जूता, ये एक भैया बैठे हैं, इनकी शॉप है, और एक वो भैया है, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन शॉप बिल्कुल अंदर जो गली जाती है वहीं पर है, इधर है, माँ कामाख्या स्टूडियो करके फोटो एडिटिंग का काम भी होता है और जेरोक्स भी निकलवा सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने रखवा दिया है अपना रॉक्स, और से चल रहे हैं यहाँ पर से। भैया मोबाइल ले जा सकते हैं ना, कोई बाहर का शूट कर सकते हैं ना, कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है बोल रहे हैं। और देखो सिक्योरिटी, देखो भाई हाई लेवल सिक्योरिटी सब तरफ। चलो दर्शन करते हैं अपन माँ कामाख्या मंदिर का, और उसके आज फिर निकल चलेंगे। मैंने पूछा तो बताया कि मोबाइल जा सकता है, तो फिर हम चलते हैं, लेकिन रास्ता मुझे भी नहीं पता, पता कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, पीछे जहाँ पे मैं चप्पल रखा वहाँ वाले गेट से अंदर जा रहा हूँ, सामने भी एक गेट है, और ये आ गए माँ कामाख्या मंदिर के गेट में। बिल्कुल जी, यहाँ आ गए, भीड़ है। वो था एक मेन गेट दोस्तों, वहाँ से भी हम, मैं पीछे के रास्ते से आ गया क्योंकि मेरे को चप्पल रखना था। ओहो बढ़िया लग रहा है, बाहर में मोबाइल अलाउड है, अंदर नहीं है, मगर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। ये देखो सर जाऊँ, उससे पहले यहाँ पे हैं भैया, रहने वाले त्रिपुरा के हैं लेकिन यहाँ पे लोकल रहते हैं, कहाँ उनका जॉब चलता है, तो इनसे भैया थोड़ा अपन पूछे, बहुत सी चीज़ बताएं। एक्चुअली जो जब माता सती सती हुई तो उनके 108 जो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगह रहे, सब जगह 108 पीठ स्थापित हुए ऐसा बताया भैया ने। तो उसमें का एक पीठ ये भी है, माँ कामाख्या मंदिर जो है उनका एक पीठ यहाँ पे भी है। अब दोस्तों मैं अंदर जाऊँगा, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं रहता अंदर में, बाहर से लेकिन कर सकते हैं। तो पहले मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर बाहर में फोटो शोटो भी शूट करूँगा, लेकिन हाँ यार बहुत सुंदर जगह है। अब आप लोग पता है थोड़ा सा थक गया था तो बैठा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी देर के बाद बस लेंगे, लेकिन मस्त है, बहुत साफ़ सुथरा है, डेली सफाई होता है लग रहा है, एक चीज़ अच्छा लगा। अंदर जाना बनता है अब, और ये चीज़ नया जानकारी मिला कि 108 फीट के बारे में से एक फीट यहाँ पर स्थापित हुआ है। अभी तक मैं जब यहाँ आया तो पता भी नहीं था, तो मैं आ गया हूँ, मम्मी को भी बता रहा हूँ मैं आ गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोगों की जो मन्नत है मैं रख रहा हूँ, फिर आगे यहाँ से निकल जाऊँ, पहले दर्शन करके आता हूँ। बैक साइड में आ गया हूँ दोस्तों, वहाँ पे था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ आ गया हूँ, दर्शन करना है और पूछते हैं उसके दर्शन करते हैं। यहाँ से ही है दर्शन करने, कुछ जगह जगह पूरा बकरे ही बकरे हैं, इतने सारे बकरे क्यों हैं यहाँ पे, जहाँ मैं देख रहा हूँ पूरा बकरी बकरे हैं। चलो दर्शन करता हूँ मगर मैं। ये बलि घर दोस्तों, यहाँ आज भी बलि होती है, वो बना है, बलि होता है वहाँ पर। अब अंदर जाने देते हैं कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन होता है बलि, पूछ के मैं अगर जाने देते हैं तो चलूँगा। तो दोस्तों ये बलि वाला जगह है, ये इसी जगह बकरा और भैंसे दोनों का बलि दिया जाता है, बकरे और भैंसे का बलि होता है यहाँ पर। ये देखो सब अपने अपने नाम का ये लगवा के रखे हैं, पत्थर देख रहे हैं, ये बलि इसी में होता है। आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे चढ़ता है और इसमें स्मेल आ भी रही है, तो अलग ही सा स्मेल है यार, सबका जो खून का एक रहता है स्मेल, देखो खून है। ये बलि घर है, यहाँ पर बलि होता है, कई लोग बंधे हुए हैं इसीलिए बलि के लिए छोड़ के सारे बकरे यहीं पर कटते हैं, समझ में आया। ऐसा लगता होगा अपने मौत का इंतज़ार करना, ये बलि घर है दोस्तों, ये भी उन सबका बलि होगा, ये बंधा हुआ है, इसका बलि थोड़ी देर में ही होने वाला है इसका, फिर इन लोग की बारी है। चलो यहाँ से निकलता हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है। मैं दर्शन करके आ गया हूँ यार, अंदर से निकल गया, फिर वही है पास वाला इशू था, लेकिन जुगाड़ में चल गया, काम बात किए तो बिल्कुल बाहर हूँ कामाख्या मंदिर, अभी देख सकते हैं अंदर लंबी भीड़ लगी है। बलि वाला मंदिर में, बलि वाली जगह में भी गया था, बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन चलो जो भी है, काम
करता हूँ, पहले बाहर निकलता हूँ, कुछ खाने का अरेंज करते हैं, चलो पहले। सब दिया जला रहे हैं, आरती चल रहे हैं, हमारा टाइम हो गया है निकलने का, दर्शन हो गया, मन्नते मांग लिया हमने जो भी था सबके लिए। पानी की यहाँ पे व्यवस्था है यार, ये चीज़ अच्छी बात है, फिल्टर्ड पानी है, प्यास लगा है, मैं भी पानी पीता हूँ पहले। तो हो गए हैं दर्शन माँ कामाख्या के, ये रूट है बट हमको पीछे रूट से जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा चप्पल वहाँ छूटा हुआ है भाई। चलो कहीं प्रसाद तो मिलने का नहीं दिखा, मिल जाए तो ठीक है, अब निकलता हूँ यहाँ से आगे मेघालय के लिए, चलो चलते हैं। हाँ हमारा क्रॉक्स ये रही, चलो चलते हैं अब यहाँ से। धन्यवाद भैया, थैंक यू, ये देखो हेल्प हो गई, अब चलो चलते हैं यहाँ से। रास्ते प्रसाद नहीं मिला है, देखते हैं कहीं प्रसाद खाने को मिल जाए तो मंग के खा लेंगे, प्रसाद क्या दिक्कत है। एरिया है देखो पूरा पुलिस वाले, पूरा AK-47 जैसे गन ले लेके रखे हैं, हाई सिक्योरिटीबल एरिया है। जब उतर रहे हैं देख रहे हो, जैसे हर धार्मिक जगह पे होता है ठीक वैसी यहाँ भी है, हर जगह मतलब प्रसाद और पूजा सामग्री के बड़े बड़े चौपाल लगे हैं और मेरी नज़र में सब खाली ही दिख रहे हैं, अभी भी जितने भी दिख रहे हैं सब खाली हैं। इतने सारे लोग हैं यहाँ और कैसे इनका इनकम निकलता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो रीज़न होगा जिससे कर रहे हैं ये। चलो अपने को आगे बढ़ना है। फॉरेनर्स भी आते हैं दोस्तों बाहर बाहर से, यहाँ पे फेमस जगह तो है, देख सकते हैं पूरे फॉरेनर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे फॉरेनर्स विज़िट करने के लिए आए हुए हैं, बड़े शौकीन भी हैं फ़ोटो के। यहाँ वहाँ थूकना मना है, अरे यार पान खा के थूकना ही पूरा टोटल मना होना चाहिए, ये किस लिए है ये नहीं पता मुझे। अन्ना सेवा कूपन कलेक्शन सेंटर, पता नहीं किस चीज़ का सेवा कूपन कलेक्शन सेंटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डांस करता सो फ्रेंड्स, अभी मैं खाना खाने आया हूँ सुबह, किसके खाया था टीका लगा हुआ है और थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलूंगी, लेकिन मैं अभी तो ठीक था, एक भाई समीर मिल गए, अरे सबसे अच्छी बात मतलब ये भी सिंगल बैठे, हम भी सिंगल बैठे, तो पास थोड़ा सा कॉन्टेक्ट एक्सचेंज हुआ, फ्री हो गया है माइंड, अब पूरा जब जाएंगे तो माइंड में कोई टेंशन नहीं रहे, धंधा मिल गया डेफिनेटली वो कॉन्टेक्ट करेगा, उनके थोड़ा ऑपन घूम लेंगे। खाना खत्म, यही है हम दोनों भाई की यहाँ पे थाली रेडी हो गई है, मस्त सिंपल खाना है, सिंपल खाना खाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं दोस्तों ख़त्म करके खाना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब नीचे आ गया हूँ, माँ का मुख्य मंदिर दर्शन हो गए हैं, काम करता हूँ, मुझे लंबा हो रहा है, इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नया व्लॉग, तब तक सबको बाय बाय।